नमस्कार दोस्तों। तो स्टेप नंबर हम लोग जो 8 कर रहे थे, ये घटना चक्र का आरोह और यारोह का, इसमें हम लोगों ने 71 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब 72 क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो आपको पता होगा कि तुर्क के थे, ठीक है, तुर्क वर्ग से थे। सुल्तान जो है केंद्रीय शासन का प्रधान होता था, उस समय की बात हो। और इसी तरह सल्तनत काल में प्राय सभी प्रभावशाली जो पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी, और इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्प वयस्क होता था, तब ज्यादा प्रभाव अमीर लोग ज्यादा प्रभावी हो जाते। होयसल स्मारक, होयसल स्मारक अभी आपको पता है न्यूज में भी आया था, होयसल की बात है। तो होयसल स्मारक पाए जाते हैं, ठीक है, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? हलेबिड और बेलूर में। तो होयसल राजवंश की राजधानी जो थी द्वार समुद्र था, और उसी का वर्तमान नाम है हलेबुड, हलेबुड, ये हलेबिड लिखा है, जो कर्नाटक के हासन जिला में है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कर्नाटक के हासन जिला में वर्तमान की बात कर रहे हैं। और इसकी ख्याति इसकी स्थापना की विरासत के कारण है। हलेबुड जो है वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं 13वीं सदी का है, और होयसल काल में निर्मित चेन्ना केशव मंदिर जो वेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णु वर्मन ने प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध होता है? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी युद्ध में क्या हुआ था कि हुमायूं पराजित हो गया था, और इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था तो अकबर था, और देखा जाए तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन जो राजा थे अकबर थे। दिसंबर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, और भारत में उस समय अकबर का जो शासन मतलब काल था उस समय था 1556 से ये 1605 तक था, ठीक है। और इनके एलिजाबेथ की बात करते हैं हम लोग, तो 1500 इनका एलिजाबेथ प्रथम की बात कर लें तो ये 1558 से जो है ये 1603 तक थे, ठीक। तो यही जानिए समकालीन जो थे अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा स्पर्श करती है, 520 किलोमीटर, और नागालैंड की बात कर लेते हैं, ये 215 किलोमीटर है। हो सकता है कि कुछ लोग को मिजोरम लग रहा हो, लेकिन मिजोरम का बता रहे हैं 520 किलोमीटर है, और ये जो है 510 किलोमीटर की सीमा है। और उसके बाद मणिपुर की बात कर लेते हैं हम लोग, 398 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा रखते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, जो सरोवर होता है उसी मैदान का जो है एक सरोवर झील जिसे बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जैसे कश्मीर घाटी हो गया, इम्फाल बेसिन हो गया, यहाँ का एक बेहतरीन एग्जांपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, जनजाति दिया है, निवास स्थान दिया है, तो भील का बात कर रहे हैं। भील आपको पता है राजस्थान साइड में होते हैं, राजस्थान जाइए आप। संथाल की बात करते हैं हम लोग, झारखंड चलते हैं, झारखंड। राजी की बात करते हैं तो उत्तराखंड चलेंगे, और लेपचा तो लगभग सभी को पता होगा कि सिक्किम। आप भील जान रहे होंगे, आप यहीं से क्वेश्चन टक्कर कर सकते थे एक ही बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। ये अलग है, यूनिक है, तो मतलब ये क्वेश्चन अलग नहीं है, मतलब नदियां अलग है क्योंकि ये भ्रंश घाटी से जो है जाती हैं, इसीलिए नर्मदा और तापी, इसीलिए जो है ये व्याख्या भी सही है, ए और आर दोनों सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जलप्रपात दिया है, नदियां दिया, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो कपिल धारा जो प्रपात है यहाँ दिया है गोदावरी नदी, ठीक है, और जोग जलप्रपात दिया है सरावती, ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी। शिव समुद्र प्रपात की बात करते हैं तो कावेरी नदी, तो कपिल धारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर है ये, और यहाँ गोदावरी दिया है जो गलत हो जाता है, इसीलिए नर्मदा नदी दिया होता तो सही हो जाता है, नर्मदा नदी। और जोग का तो पता है कि सरावती नदी पर है, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, और शिव समुद्र तो कर्नाटक के चामराजनगर जिले में है, कावेरी नदी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंगा नहर है ये, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक है गंगा नहर। इसका निर्माण बीकानेर के तत्कालीन जो महाराजा थे गंगा सिंह ने करवाया था, और यह नहर सतलुज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकाली गई है, और इसका निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था, 1927 में पूर्ण हुआ था। तो जितना एक्सप्लेनेशन बताया उसको सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जलाशय दिया है और राज्य दिया है, घाट प्रभा तेलंगाना, कह रहा कि कौन सा युग, इसमें कितने युग सुमेलित हैं? तो घाट प्रभा ये तेलंगाना कर्नाटका होगा, कर्नाटका, ठीक है। गांधी सागर दिया है तो मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर दिया है मध्य प्रदेश होगा, यहाँ आंध्र प्रदेश लिखा है तो ये एमपी कर लीजिएगा। और मैथोन की बात करते हैं
तो झारखंड, ठीक, छत्तीसगढ़ यहाँ लिखा है, तो यहाँ झारखंड कर लीजिए। कह रहा है कि कितने युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक, तीन युग्म सुमेलित नहीं है, सिर्फ एक ही यही युग्म सुमेलित है, गांधी सागर वाला मध्य प्रदेश में। बाकी घाट प्रभा कर्नाटका में है, इंदिरा सागर जो है एमपी में है, मैथावान का झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RAJ3077 एक प्रजाति है, तो गेहूं की प्रजाति है। ये सब देखे पहले से पता नहीं होता, ऐसे ही याद होगा। तो यह जान लीजिए कि यह RAJ3077 गेहूं की एक प्रजाति है, और यह सामान्य बुआई के लिए एवं सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त मानी जाती है। इसकी औसत उत्पादकता लगभग 5500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। और गेहूं की अन्य भी है, सोनालिका का नाम सुने होंगे, अर्जुन, कुंदन, अमर, अमर में HW2000 है, भवानी HW1085 है, चंद्रिका नाम देश रत्न है, कंचन है, गोमती है, और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल, देखिए 34 नंबर, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो ये जो है मूंगफली की है, ठीक है, मूंगफली की प्रजाति है ये कौशल। और चने की बात कर लेते हैं हम लोग, तो पंत, पंत G114 है, ठीक, गौरव है नाम है, मैं वो बता रहा हूँ प्रजातियाँ, गौरव है H7535, राधे है K4 है। कपास की बात कर लें तो अंकुर, अंकुर 651 सुबिये, ठीक है, 651 सुबिये है, भारती है। मूंगफली में है, मूंगफली की बात करते हैं, चित्रा भी है, कौशल भी है, चंद्रा भी है, चंद्रा भी है, इसी का। गेहूं की बात करते हैं तो कुंदन है, कल्याण सोना है, कल्याण सोना है, ठीक है। अंधी घाटियां पाई जाती हैं, तो काष्ठ प्रदेश में पाई जाती हैं अंधी घाटियां। और काष्ठ प्रदेश में जब नदी एक विलयन क्षेत्र पर समाप्त हो जाती है, तब यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है, तो सिंक के ऊपर जो है, सिंक के बिंदु से उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को काष्ठ मैदान से नीचे जो है अधिक नीचे कर लेती है। तो इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन क्षेत्र पर ही पर हो जाता है, और इसी घाटी को अंधी घाटी का, अंधी घाटी का मतलब हम सीधा सा बता रहे हैं, ठीक है, कि दिखाई नहीं देता नीचे, इतना वो नीचे हो जाता है, और एक कोई छोटा सा सुराग से ही ये जाता है पानी यहाँ पर, इसीलिए अंधी घाटी बोलते हैं इसको। तो अब सुराग का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा छेद है, वो बहुत बड़ा रहता है, उस हिसाब से दिखाई नहीं देता है, अंधी घाटी इसीलिए नाम है, काश प्रदेश, ये सब कहानियां हैं। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह के लिए देश जो है म्यांमार के सीमावर्ती है? तो थाईलैंड है, लाओस है, बांग्लादेश है सीमावर्ती में, भारत और चीन के अलावा, ठीक है, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश है, म्यांमार की बात कर रहे हैं हम लोग, और भारत और चीन तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नगर दिया है और नदी दिया है। अच्छा, तो ये देखिए खार्तुम, और यहाँ हो सकता है दिख ना रहा हो लेकिन हम लिख दे रहे हैं, ये लिखा है ब्राजावेले, ठीक है, ब्राजावेले, नील, आगे लिखा है नाटर डैम लिखा है, राटर डैम देखिए राइन नदी हो जाता है, और पेरिस का सीन नदी, ये तो सही है। खार्तुम जो है, खार्तुम लिखा है, ये नील नदी से कर दीजिएगा। अब ब्राजावेले जो लिखा है, ये जो है जयरे लिखा है, हो सकता है ना जान पा रहे हो, जयरे लिखा है, ठीक, तो लिख दिए हैं। अब देख लीजिए सी का चौथा और डी का तीसरा, यहीं से मिला लीजिए, ए का दूसरा है, ए का दूसरा हो गया, सी का चौथा, ठीक है, तो ए ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया या सूख गया है, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसमें अरल सागर जो है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा तो अक्सर चांसेस होंगे गलत होने के। तो इसमें मानव क्रियाकलाप के कारण जो है ज्यादा संकुचित हुए, तो तीनों है लेकिन ज्यादा संकुचित जो हुआ है वो है अरल सागर, ठीक, तो केवल फर्स्ट पे जाएंगे क्योंकि ये अधिक संकुचित हो गया है। बाकी ये भी है काला सागर, बैकाला सागर, लेकिन बहुत कम है। सुमेल, सुमेल कीजिए, लिखा है यहाँ पर जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि जूल का आप कार्य से कर दीजिए, एम्पियर का आप धारा से कर दीजिए, वाट का आप जो है सामर्थ्य से कर दीजिएगा, वोल्ट लिखा है ये, वोल्ट का आप विभवांतर से कर दीजिएगा, और कैलोरी का आप उष्मा से कर दीजिएगा। ये आसान सा यूनिट से पूछा था, यूनिट क्वेश्चन है। पानी का सापेक्षिक, आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित तापक्रिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, मैं कर दूंगा। क्षितिज के समीप सूर्य व चंद्रमा के दीर्घ वृत्तकार दिखाई देने का जो कारण है वो अपवर्तन है, इंटरफेरेंस। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती रहे तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, बिल्कुल जो है बर्फ एक दुर्बल चालक है, इसी कारण ये प्रभावित होता है, तो स्पष्टीकरण भी सही है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पक्कम के फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो है प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम जो है प्रयोग होता है ये फास्ट फीडर रिएक्टर में, नियंत्रित श्रृंखला क्रिया के साथ, ये विखंडनीय पदार्थों की मात्रा होने वाले पदार्थों से अधिक होता है। और कल्पक्कम में स्थित है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसमें फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है या PTR का संचालन आरंभ हुआ है, और इसमें प्लूटोनियम से जो है यूरेनियम उत्पादन किया जाता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, मतलब उत्पादन किया जाता है प्लूटोनियम लगा के। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम तो परम, और ये परम का ही सीरीज बन भी रहा है आगे, परम पूरे स्थित प्रगत संगणन विकास केंद्र CDAC द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे है। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो त्रिशूल, त्रिशूल का आप लघु परास्तः से वायु प्रक्षेपास्त्र करिए, पृथ्वी आपको पता है सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र कर दीजिए, अग्नि की बात करते हैं हम लोग तो माध्यमिक परास्त्र प्रक्षेपी निकाय कर दीजिए, और नाग एंटी टैंक प्रतिरोधी वो एंटी टैंक मिसाइल तो है ही, ये प्रक्षेपास्त्र है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो कि पुणे में स्थित है, लखनऊ लखनऊ मत कर दीजिएगा, लखनऊ भी दिया है, नई दिल्ली भी दिया है, एक बार के लिए नई दिल्ली सोच भी सकते हैं, हैदराबाद भी, लेकिन लखनऊ तो बिल्कुल मत करिएगा। रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, 1950 CSIR द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची फर्स्ट या सूची सेकंड का, भंजन प्रगलन हाइड्रोजनीकरण और वाल्केनीकरण। तो देखिए पहले नंबर आप हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो खाद्य वसा के लिए होता है, वाल्केनीकरण की बात करते हैं हम रबर के लिए होता है, आप यहीं से मिला सकते थे, खैर दो ऑप्शन आप यहाँ से ये और इसमें आ सकते हैं। बाकी भंजन की बात अगर करते हैं तो पेट्रोलियम, प्रगलन की बात करते हैं तो ताम्र, ठीक है। भंजन मतलब क्रैकिंग हो सकता है, ना जान रहे हो, हम लिख दे रहे हैं यहाँ इंग्लिश में ही, क्रैकिंग हो सकता है, बहुत लोग ना जान रहे हो, क्रैकिंग भंजन मतलब क्रैकिंग हो गया, और आपका प्रगलन जो लिखा है ये हो गया स्मेल्टिंग, इंग्लिश जानते रहे, बहुत लोग को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, हाइड्रोजनीकरण तो आप जान रहे होंगे, हाइड्रोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, ये सब एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी क्लास 9th का है ये साइंस का। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट है। वॉशिंग पाउडर का भी आप जान ही रहे होंगे कि सोडियम जो है सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट का फुल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर है, और इसका वो फार्मूला जान लीजिए CaOCl2 होता है, और बेकिंग सोडा आप जो बच्चा है सोडियम बाइकार्बोनेट कर लीजिएगा आप अपना, क्या होता है इसका फार्मूला, NaHCO3 होता है, ऊपर मिला लेंगे आप तो, आप चाहते तो वैसे भी क्वेश्चन आसान सा कर सकते थे, सॉरी यहाँ मैं मिला दी, ये आसान सा क्वेश्चन कर सकते थे क्योंकि डी में चौथा ऑप्शन था और डी में चौथा आपको पता था, ठीक है, इसीलिए देखिए पदार्थ दिया है, अनुप्रयोग दिया है, नीला थोथा जो है इयोसिन सिल्वर आयोडाइड और जिंक फास्फाइड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो अब नीला थोथा जो ब्लू बात कर रहे हैं, जो ब्लू विट्रोल बोलते हैं इसे, हम इंग्लिश लिख दे रहे हैं विट्रोल, ब्लू तो आप जोड़ लीजिएगा, इसका प्रयोग जो होता है आपको पता है कवकनाशी शैवालनाशी के रूप में होता है, तो कवकनाशी पे चले जाइए आप। इयोसिन जो होता है, इयोसिन का उपयोग लाल स्याही के रूप में किया जाता है, ठीक है, तीसरे पे आप मिला लीजिए, चाहे तो आंसर तो निकल जाएगा वहीं से ही, लेकिन आंसर से मतलब नहीं है, हमें एक्सप्लेनेशन से मतलब होता है। और सिल्वर आयोडाइड की बात हम लोग करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का करते हैं, शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो करते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए किया जाता है, ठीक है। और जिंक फास्फाइड की बात करते हैं जो है, तो इस जो रोडेंट जो होते हैं कृतकनाशी, रोडेंट नाशी जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसे जो कृत्रिम वर्षा होता है क्लाउड सीडिंग किया जाता है इसमें सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है, तो मकड़ी के बारे में है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो आर गलत हो जाता है यहाँ पर, रीजन गलत है ये, ठीक है, रीजन है ही नहीं है, क्योंकि यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है, जो यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यकृत वसा जो है ये तो कहता ही नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा रीजन गलत है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, आपको पता है कि सोयाबीन में पाई जाती है, 40% तक पाई जाती है, 40% तक याद रखिएगा, सर्वाधिक होता है इसमें सोयाबीन, ये नहीं कि जो न्यूट्रीला लेकर आते हैं, सोयाबीन जो बीज आता है भिगो के लोग खाते हैं उसकी बात हो रही है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, तो इंसुलिन और ग्लूकेन जो है नहीं बनेंगे अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अनुवांशिक अभियंत्रण जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। तो देखिए रोग प्रतिरोध के लिए, वृद्धि वर्धन के लिए, जंतु क्लोनिंग के लिए, लेकिन मानव क्लोनिंग के लिए प्रतिबंध है, तो हुआ भी नहीं है, करना भी नहीं है इस पे, तो दो तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है यहाँ पर डी, ये तो मानव क्लोनिंग नहीं है। जनपद दिया है और महिला साक्षरता दर की बात कर रहे हैं 2011 के अनुसार, तो कानपुर नगर 75.05% सही है, लखनऊ का भी 71.50% सही है, लेकिन ये जो गाजियाबाद का दिए हैं 60.69, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, गाजियाबाद का आपका, और इटावा का 69.06 सही है। और देखिए
ये गलत है जो, अगर तो बात करें कितना है फिर, तो 60.79% है, ठीक है, पॉइंट का फर्क है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, तो सिख का है, हिंदू मुस्लिम के बाद सिख ही आते हैं उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र में लोक नृत्य नहीं है, तो डांडिया नृत्य जो है गुजरात का है, आपको पता है, तो ये नहीं है, बुंदेलखंड की बात हो रही है, बाकी रवाला नृत्य, बढ़िया नृत्य, राय नृत्य, ये सब तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गायक दिए हैं और गायन शैली विधा दिए हैं, राजन साजन में से ध्रुपद टप्पा, ताज बेगम जो है ठुमरी टप्पा, बड़ी मैना जो है ठुमरी की है, टप्पा की नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। अंबाजी, देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, यही टेस्ट सीरीज का रिपीटेड है। अंबाजी चतुर्वेदी की बात करें तो ध्रुपद से संबंधित है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है मथुरा में, पररिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में, ठीक। देखिए ये सब हम थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे, ये बहुत ज्यादा वैसा नहीं था। अब देखिए मैथमेटिक्स को, देखिए यहाँ लिखा है मैथमेटिक्स लिखा है, में यम को पी से और ए को डी से, टी को डब्ल्यू से ऐसे रिप्लेस करना है, ठीक। तो यम परिवर्तित हो रहा है पी से, तो यम मतलब यम से अगर पी में जा रहे हैं तो +3 जा रहे हैं, ऐसे +3 +3 करेंगे, तो ये पूछ रहे हैं कुल मिला के कि जो नवीन अक्षर श्रृंखला बनेगा वो नवा अक्षर कौन सा होगा, तो आई बनेगा, और आई का नवा अक्षर जो होगा यल हो जाएगा, आई रहेगा, यहाँ यल लिखा है, ये नवा अक्षर यही है, इसी का नवीन अक्षर पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है दिख नहीं रहा लेकिन बता रहे हैं कि ऐसे ही है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख किया है, इसको सॉल्व करेंगे, 90 डिग्री ये लिखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, 90 डिग्री है और फिर 135 डिग्री है, ठीक है, बस बाकी पीडीएफ भेजेंगे आप उसमें देख लीजिएगा, क्लियर दिख जाएगा, तो ये पश्चिम दिशा में रहेगा। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, पी बाएं से 10वें पे है, क्यू दाएं से 12वें पे है, तो जब फिर कह रहे हैं मतलब एक्सचेंज कर देंगे एक दूसरे को, तो 6 का अंतर आ ही जाएगा, तो आपको पता है 18 हो जाएगा, 12 के बाद 6 18, फिर पी 18वां स्थान हो ही जाता है, यहाँ पर 18वां लिखा भी है, पी और क्यू की अतिरिक्त पंक्ति में अन्य व्यक्तियों की जो संख्या होगी, पी +18 तो है 11 29 हो जाएगा, और पी जो अतिरिक्त 2 है उनको घटा देंगे 27 आ जाएगा, पी और क्यू के अतिरिक्त 29 के अलावा जो है हम टोटल बात कर रहे हैं, इसीलिए। फिर कह रहे हैं दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 3/4 है, तो पहली संख्या x मान लेते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या x मान लेते हैं, पहली संख्या 3x/4 कर लेते हैं, उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे, ये आपका अनुक्रमण कर दिया है ना, उल्टा कर दिया है, तो उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो x=8 आ जाएगा, ये बस हम ये बता रहे हैं पैटर्न कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा आकार है भिन्न, सबसे छोटा है, तो इसको आप डिवाइड कर देते 0.33 और बाकी डिवाइड करके आप देख लेंगे सर, तो यही सबसे छोटा आएगा, हमने डिवाइड करके देख लिया इसीलिए। फिर एक मिश्रण में अल्कोहल का जल अनुपात की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए अल्कोहल और जल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल जो है 3 है और जल का अनुपात 4 है, तो 3x और 4x माने हैं, तो फिर कह रहा है 8 लीटर पानी मिला रहे हैं हम लोग, तो पानी का मतलब है कि जल ही तो मिला रहे हैं, तो 3x/4x+8, किसमें क्यों 4 8 क्यों लगाए हैं, क्योंकि जल है और 4 है, ये 4 था, 4x+8 कर दिए, और कह रहा है 5 5 8 हो जाता है, तो 5 5 8 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा x का वैल्यू 10। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे 3x+4x=7x करते हैं और x की वैल्यू पुट करते हैं तो 70 आ जाएगा, सॉल्व करिएगा आ जाएगा, वैसे आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें कह रहा है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि 7 आप पहले में देखेंगे कहेंगे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, तो 7 और मल्टीप्लाई बाई 77 हो जा रहा है, तो नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद एचसीएफ निकाल मतलब एलसीएम निकाल दिए हैं, 7 और 11 का एलसीएम 1 हो जाएगा, तो डिवाइड कर दिए हैं 77 को, 1 से डिवाइड करेंगे तो 77 ही मिल रहा है, फिर इसको जब डिवाइड करते तो 294 मिलता है, एलसीएम निकाल के सब कुछ हो जाता है, फिर इसको जब करेंगे तो 500 प्राप्त हो जाएगा, और इसका एलसीएम 20 और 25 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और 5 से जो है 500 को जब डिवाइड कर देंगे तो जो है 100 आपको मिल जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 8 × 9 + 6 × 4 96 प्राप्त हो जाएगा, ऐसे ये भी कर लीजिए 113 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये फिर एक लड़का है, एक लड़के के फोटोग्राफ को इशारा करते हुए आदित्य ने कहा है, आदित्य बोले हैं कि वह मेरी सास की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है, मेरी सास की इकलौती पुत्री का जो है पुत्री है, ये उनका पुत्री का और पुत्री है उनका पुत्र है लड़का, और ये पूछ रहे हैं आदित्य से क्या संबंध है, तो लड़का इनका पुत्र ही होगा। होटल को कूट भाषा में ये लिख रहे हैं, तो देखिए ये इसको पूरा उल्टा शब्द लिख दिए हैं यहाँ, और कुछ नहीं, तो इसी को आप उल्टा कर दीजिए, तो यस ई यस ओ आर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन 3 4 पैटर्न के होते हैं, 5 पैटर्न, तो यही सबसे पूछ रहा है, इसको क्या किया है कि देखिए ये जो तीसरा तीसरा वो कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ 8a जब रखेंगे तो 8 8 4 32 प्राप्त हो जाएगा, ठीक, और फिर ये जो है यहाँ जैसे 9 4 6 36 प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसे ही है ये 8a। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 8a ही आएगा इसमें, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या 123 की बात करते हैं, 123 में देखिए ये क्या किया है कि 3 क्यूब 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 ले लेकर और 3 से -4 क्यूब लेकर फिर 4 से -, तो ऐसे ही
8 के ऊपर पहुंचेंगे तो 504 आ जाएगा आपका। इसमें कह रहे हैं देखिए, डिक्शनरी तो आप लोग देखे ही होंगे, तो उसमें तीसरा शब्दकोश इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा होगा, तो कोश हो जाएगा तीसरा शब्दकोश, ये देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है बता रहे हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, आपको पता है ध्रुव की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो विविधता में कमी आ जाएगी, तो ये जो है गलत हो जाता है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देता है, बिल्कुल बिल्कुल ये सही होगा। और विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी तो बिल्कुल सही है, अमेजन के वर्षा वनों में ज्यादा। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुव की ओर घटती जाती है, ये स्टेटमेंट सही है, इसी का समझ लीजिए आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि भारत में विचार करना है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाता है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत में के जो उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्य रूप से बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक, और दूसरा भारत में स्लो लोरिस की बात करते हैं, उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, ये सही है, तो इसको आप जो है गलत कर दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट उप हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सिक्किम पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जैसे उसमें। स्लो लोरिस की बात कर लें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे आपका उत्तर पूर्वी राज्य हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ सब पाए जाते हैं स्लो लोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो यही सब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सबको मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और एक बार नहीं कई बार पढ़िए, जितना हो सके उतनी बार पढ़िए, जो आसान आपको लग रहा है वही वहाँ पर गलतियां हो जाती हैं, कठिन हो जाती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए सही है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि आसान लग रहा है और आसान है भी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आया हुआ, यहाँ दिया है जल संरक्षण के लिए जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज हम लिख दिएगा। ठीक है, तो इतना जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के लिए अमेजन वर्षा वन, तो पता ही होगा ये 20% तक ऑक्सीजन पूरे विश्व को यही प्रोवाइड करता है। मियाँ वहाँ की पद्धति, ये सब देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं और यूपीएससी में आए हुए हैं, तो उसी को बस सरल भाषा में थोड़ा प्रस्तुत कर दिया है, जैसे ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, ये मियाँ वहाँ की पद्धति जो जापानी टेक्नोलॉजी है, जापानी टेक्निक है, ये सारे क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए होता है। ये मियाँ वहाँ की पद्धति में ये क्या करते हैं कि गोबर में ही वो बीज लगा के फेंक देते हैं ऐसे, तो वो धीरे धीरे अपना ग्रोथ करता रहता है, जंगल बन जाता है। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और सिर्फ गोबर में ही ऐसा नहीं करते, वो खाद बनाते हैं, खाद रहता है पूरा समझ लीजिए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है ये गुरुग्राम में, हरियाणा में सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले सबसे अधिक संभावना कहाँ पर है, तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अगर है तो पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, रेतीले मरुस्थल में तो नहीं पाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, यहाँ सब नहीं पाए जाते हैं, तो अगर संभावना बनेगी तो यहीं पर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्लावस्था में अंशदायी होते हैं, कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण जो है नहीं है, क्योंकि अम्ल वर्षा की बात करते हैं तो उसके लिए अलग अलग गैसें उत्तरदायी होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखता, जो उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि ये पहले हम लोग बताया है। स्टेटमेंट सही है बट क्या है कि रीजन जो है स्पष्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, देखिए 133 नंबर की बात कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हानिकारक गैस है, ये हमारे फेफड़ों में क्या होता है प्रवेश कर जाती है, जो हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है, यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना तक जो है, तो इसको आप करिएगा, हाँ जो 300 गुना से जो है अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, और जिसके कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, घुटन महसूस होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आप नाम सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है, तो बांग्लादेश में आर्सेनिक के कारण जो है WHO का ये रिपोर्ट भी आया था अभी 2018 में, तो इसमें जो है कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा आर्सेनिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्राकृतिक आर्सेनिक पाए जाते हैं प्रदूषित जल में, अर्जेंटीना आपका है, और उसके बाद बांग्लादेश हो जाता है, चिली हो जाता है, चीन हो जाता है, भारत में पाए जाते हैं आर्सेनिक, वेस्ट बंगाल साइड चले जाइए वहाँ बहुत पाए जाएंगे, मैक्सिको में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ सब मिलते हैं आर्सेनिक, जो हानिकारक है। एक प्रदूषक है, कारक कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रदूषक होने वाली बीमारी है, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए तो बार बार मिलेंगे भाई, तो पारा मीनामाता बीमारी और कन्वेंशन भी है आपको पता ही है, पारा पे कैडमियम इटाइटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, उसके बाद यहाँ देखिए फ्लोराइड आयन दिया है, अपच, अपच नहीं होता, फ्लोराइड आयन से आपको बताए थे हम पहले भी कि दांत आपका खराब हो जाएगा, फ्लोरोसिस हो जाता है, फ्लोरोसिस बीमारी, ठीक है, दांत जो है एनिमल प्रभावित होने लगता है, जो बाहर जो पीला पीला रहता है वो लेयर, वही एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए, तो 4 समझौते हुए हैं एजेंडा 21 में, ठीक है, 40 अध्याय में 4 वर्गों में बातें हैं। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में बात करें, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये पूछ रहे हैं किससे संबंधित है, तो किसी से, नॉर्मन बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम आता है भाई,
हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। और भारत की बात करते हैं तो आप वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये हाईलाइटेड मुद्दा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट जब आया था 1833 में तभी, और उसमें महत्वपूर्ण कुछ धाराएं थी 87 थी, जिसमें यह कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम वर्ण अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। इसी के लिए राजनीतिक आंदोलन में और 1833 एक्ट या धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करते हैं? तो भाग 11 है अध्याय 1। ठीक है, भाग 11 का अध्याय 1 है, जो अनुच्छेद की हम बात कर ही देते हैं। आर्टिकल जानते रहिए, आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल आपका 245 से 255 की बात करते हैं हम लोग। अब अध्याय 2 में भी है कुछ चीजें, और इसमें प्रशासनिक संबंधों से, वो तो विधायी हो गया प्रशासनिक संबंधों में अध्याय 2 में, जो यहाँ पर लिखा गया भाग 11 का अध्याय 2। इसमें आर्टिकल की हम जिक्र फिर से कर दे रहे हैं, 256 से लेकर 263 तक है, लेकिन ये प्रशासनिक है, आप ये ध्यान देंगे प्रशासनिक संबंधों के बारे में, ये विधायी हमसे पूछा है। तो भाग 11 है और अध्याय 1 है। भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 540 कैलोरी। ये भी एनसीईआरटी का क्लास 9th का या 8th का है, एनसीईआरटी मुझे साइंस का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट ये है 500 किलो लेटेंट हीट जिसे बोलते हैं। हालांकि ये सब रिसेंट में मिल जाएगा, बट आप एनसीईआरटी को ऑथेंटिक मानते हैं तो वही करिए। तो यहाँ तक हम लोग सेट नंबर 8 सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब सेट नंबर 9 भी कर लेंगे आगे, बहुत जल्दबाजी नहीं है, बट जितना किए हैं उसको रिविजन करना जरूरी है। थैंक यू।